थाना कच्चा पक्का पुलिस अते एक्साइज विभाग की टीम के वलों छापेमारी के दौरान पिंड दयालपुरा तो भारी मात्रा में लान अते शराब बरामद की गई। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए थाना कच्चा पक्का के ड्यूटी इंचार्ज जगदीर सिंह ने दस्या कि एक्साइज विभाग की टीम अते पुलिस थाना कच्चा पक्का नूं मुखबर खास ने इतलाह दित्ती है कि पिंड दयालपुरा विखे वड्डे पद्धर से नजायज शराब का कारोबार हो रहा है, जिस उपर कार्रवाई करते हुए एक्साइज विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन के वलों पिंड दयालपुरा के निशान सिंह के घर रेड की गई तो उसके घर में 400 लीटर लान और 20 लीटर शराब बरामद हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह ही निरपैर सिंह और रणजीत सिंह के घर भी रेड करने के दौरान 250 लीटर नजायज शराब और 400 लीटर लान बरामद हुई है। उन्होंने दसिया कि इस मौके निशान सिंह और रणजीत सिंह को काबू कर लिया गया है पर निरपैर सिंह मौके तो भजन के कामयाब हो गया। इतने दसनयोग है कि निरपैर सिंह कांग्रसी विधायक सुखपाल सिंह भुल्लर का करीबी मनिया जाता है जो कि इलाके में अपनी काफ़ी पकड़ रखता है। हाँ जी सर, एक अज रेड की गई एक्साइज विभाग के पंजाब पुलिस वालों की कितने की गई है तो की रिकवरी है कि बंद कर सर? एक्साइज इंस्पैक्टर साहब जी थाने आए, उन्होंने मंगूरी भी सड़क मिली, उन्होंने ना लैके अभी निशान सिंह पुत्र सरन सिंह वासी दयालपुरा के घर रेड किया जिस तुम 400 लीटर लाण तो 20 लीटर शराब मिली। उस तो अगे रेड किया निरपैर सिंह ने, निरपैर सिंह पुत्र अवतार सिंह, उसका नौकर रणजीत सिंह पुत्र बगीचा सिंह पिंड दयालपुरा, उस तो लाण बरामद हुई है जी 400 लीटर लाण 250 लीटर शराब। किन्ने बंदे दे काबू कीते गए? दो बंदे अरेस्ट है जी, रणजीत सिंह सानू बगीचा सिंह, निशान सिंह पुत्र सर सिंह। मामला दर्ज कर लिया ने? कर लिया जी। तो यही पता लगा कि जो निरपैर सिंह है वह सत्तर पार्टी का कोई आगू भी है तो उन्होंने काबू क्यों नहीं किया गया? सर मौके तो दौड़ गया। दौड़ गया तो उनका है कोई सत्तर पार्टी ना रिश्ता कोई आगू है? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ।